अभी मुझे जाना होगा। मेरे प्यारे नन्हे दोस्तों, मैं दोपहर तक वापस आ जाऊंगी। मेरी गैर हाजिरी में मस्ती मत करना, एक दूसरे से लड़ना नहीं और अजनबियों के लिए दरवाजा मत खोलना। फिर तुम्हारे साथ कुछ भी बुरा नहीं होगा और तुम पर कोई भी मुसीबत नहीं आएगी, जैसे सात छोटे गोट के बच्चों पर आई थी। चलो उनकी डरावनी कहानी सुनाती हूँ। The Wolf and the Seven Young Kids। एक वक्त की बात है, एक बड़ा बुरा वुल्फ सात छोटे गोट के बच्चों के पड़ोस में रहता था। वो बच्चे अपनी माँ की हर बात मानते थे और वो वुल्फ किसी की बात नहीं मानता था, इसीलिए वो इतना गुस्से वाला और बुरा बदमाश बन गया था। तो एक दिन उन बच्चों की माँ दुकान पर गई थोड़ा दूध लाने, नहीं दूध लाने नहीं, जो भी हो उसे कुछ खरीदने के लिए दुकान पर जाना था, शायद गोभी लाने। दुकान पर जाने से पहले गोट ने अपने सात छोटे बच्चों से कहा, अंदर ही रहना और आवाज मत करना और किसी के लिए भी दरवाजा मत खोलना, अगर वो कहे वो पुलिस वाला है तब भी, या फिर वो कुछ ठीक करने आया है। तुम तभी दरवाजा खोलना जब तुम्हें ये गाना सुनाई दे, छोटे बच्चों मेरी बात सुनो प्यारो, दरवाजा खोलो और मुझे अंदर लो। नहीं नहीं, वो गलत था, ये है सही वाला गाना। सुनो मेरे प्यारो, मेरे दुलारो, सुनो मेरे बोल, दरवाजा तो खोल, बड़ी मस्ती छाई, मम्मी दूध लेकर आई। वो गोभी लाने जाने वाली है, तुम्हें गाने में गोभी की बात करनी चाहिए। सुनो मेरे प्यारो, मेरे दुलारो, सुनो मेरे बोल, दरवाजा तो खोल, बड़ी मस्ती छाई, मम्मी गोभी लेकर आई। लेकिन बड़ा बुरा वुल्फ दरवाजे पर खड़ा था और उसने गाना सुन लिया। बड़ा बुरा वुल्फ बहुत बदमाश था, किसी की बातें छिपकर सुनना अच्छी बात नहीं होती। जैसे ही मम्मा गोट वहाँ से गई, बड़ा बुरा वुल्फ वहाँ जा पहुँचा और दरवाजा खटखटाने लगा और उसने कहा, सुनो मेरे प्यारो, मेरे दुलारो, सुनो मेरे बोल, दरवाजा दो खोल, बड़ी मस्ती छाई, मम्मी दूध लेकर आई। उसने बच्चों को धोखा देने की कोशिश की, पर उसकी आवाज ने उसका भांडा फोड़ दिया और फिर उन बच्चों ने हिम्मत जुटाई और बड़े बुरे वुल्फ से कहा, चले जाओ, तुम हमारी मम्मी नहीं हो, हमारी मम्मी तो गोभी लाने गई है। और उन्होंने दरवाजा नहीं खोला, पर बड़ा बुरा वुल्फ उन सात छोटे बच्चों को खाना चाहता था और उसके लिए उसने एक प्लान बनाया। वो लोहार के पास गया और उसने उसे अपनी आवाज को पतली बनाने के लिए कहा, एक गोट जितनी पतली आवाज। तो लोहार ने एक बड़ा हथौड़ा निकाला और फिर उसी हथौड़े से उसने बड़े बुरे वुल्फ के लिए बहुत ही पतली और ऊंची आवाज बना दी। तो अब बड़े बुरे वुल्फ की आवाज हो गई थी एक गोट जैसी। तो उसने फिर से सात छोटे बच्चों वाले घर पर जाकर गाना शुरू कर दिया, सुनो मेरे प्यारो, मेरे दुलारो, सुनो मेरे बोल, दरवाजा दो खोल, बड़ी मस्ती छाई, मम्मी दूध नहीं, मम्मी दूध लेकर आई। छह नादान छोटे बच्चे खुशी से उछलने लगे और उन्होंने कहा, मम्मी मम्मी आ गई, और उन्होंने दरवाजा खोल दिया। सिर्फ सातवां छोटा, जो उनमें से सबसे छोटा था, उससे लगा कि कुछ तो गड़बड़ है और वो जाकर अवन में छिप गया। बड़ा बुरा वुल्फ घर में घुस आया और फिर वो सभी छह छोटे बच्चों को एक एक करके निगल गया और उसे उन्हें निगलने में तकलीफ भी नहीं हुई। और सारा वक्त उसकी नजरें उस सातवें छोटे बच्चे को ढूंढती रहीं, पर वो उसे कहीं नजर नहीं आया। फिर उसे अवन में किसी के छींकने की आवाज आई। हाँ, उसने कहा, तो तुम मुझसे बचने के लिए यहाँ छिपे हो, अब तुम बस देखते जाओ, मैं तुम्हें भी खा जाऊंगा। बड़े बुरे वुल्फ की आवाज बहुत ही ऊंची और बड़ी ही डरावनी थी और वो गुस्से से कांप रहा था अपने बड़े नुकीले दांत दिखाते हुए, पर वो फिर भी छोटे बच्चे तक पहुंच नहीं पाया। इसीलिए बड़े बुरे वुल्फ ने तय किया कि वो जोर से फूंक मारकर उस अवन को तोड़ देगा। वो फूंक मारता रहा पर अवन से धूल निकालने के अलावा और कुछ नहीं कर पाया। उसने फिर से फूंक मारी और चिमनी से एक अजीब सी आवाज आई। फिर बड़ा बुरा वुल्फ घर के बाहर आया, फिर भागते हुए अंदर गया और उसने फिर से फूंक मारी, वो भी इतनी जोरदार फूंक कि वो ऊपर से नीचे तक लाल हो गया। बड़ा बुरा वुल्फ फूंक मारता रहा पर अवन में एक दरार भी नहीं आई, लग रहा था जैसे एक बड़े हाथी को एक छोटे मच्छर ने काटा हो। वो फूंक मारकर उसे उड़ा नहीं पाया, वो अवन बना था ईंटों का।
फिर बड़े बुरे वुल्फ ने सोचा, मैं उस छोटे बच्चे तक पहुंचूंगा उस चिमनी से, और उसने छत पर चढ़ना शुरू कर दिया। भरे हुए पेट के साथ छत पर चढ़ना इतना आसान नहीं था। वो दो बार नीचे गिर पड़ा, उसके घुटने छिल गए और वो पूरी तरह थक गया। पर वो किसी तरह ऊपर पहुंच गया। वो ऊपर तो पहुंच गया, पर वो चिमनी में घुस नहीं पाया। आखिर उसका पेट छह छोटे बच्चों से जो भरा हुआ था। फिर उसने सभी बच्चों को अपने पेट से बाहर निकाला और उन्हें छत पर रखते हुए कहा, शोर मत मचाना और बात नहीं मानी तो तुम्हें वापस आकर खा जाऊंगा। और फिर उसने सोचा, मैं सबसे छोटे बच्चे के पास जाऊंगा, उसे खाऊंगा, फिर वापस यहाँ आकर इन सबको फिर से निकल जाऊंगा। बड़ा बुरा वुल्फ धीरे धीरे चिमनी से नीचे उतरने लगा। वो अंदर की राख से गंदा हो गया। फिर उसे नीचे से किसी के माचिस जलाने की आवाज आई, और वो थी मम्मा गोट, जो घर लौट आई थी और गोभी पकाने के लिए अवन को गर्म कर रही थी। जब बड़ा बुरा वुल्फ चिमनी से नीचे आ रहा था, उसे वक्त मिल गया था गोभी लेकर आने का, सही गाना गाने का, अपने छोटे बच्चे को छत से नीचे उतारने का, और सबसे छोटे बच्चे को ये बताने का कि उसे अवन के अंदर नहीं जाना चाहिए था। फिर मम्मा गोट ने आग जलाई और उससे बड़े बुरे वुल्फ की पूंछ जलने लगी और वो चीखने लगा, तुम मेरे साथ क्या कर रही हो, दर्द हो रहा है। वो जैसे तैसे चिमनी से बाहर आया और अपनी जलती हुई पूंछ को बुझाने के लिए जंगल में भाग गया। मम्मा गोट चौंक पड़ी, क्योंकि वो समझ नहीं पाए कि वो बड़ा बुरा वुल्फ उनके अवन में क्या कर रहा था। फिर सातों छोटे बच्चों ने उन्हें सारी कहानी बताई। तो ये थी उनके साथ हुए हादसे की कहानी। उप्स, मुझे तो वक्त का पता ही नहीं चला, अब मैं चलती हूँ। तो अगर तुम्हें फिर से गोभी खानी हो तो खतरनाक अजनबियों के लिए दरवाजा कभी मत खोलना। मैं अपने सब्जियों के बगीचे को पानी क्यों दे रही हूँ? वो इसलिए मेरे प्यारे नन्हे दोस्तों, ताकि मेरी मनपसंद गाजर जल्दी से उग जाए। अपने बगीचे में उगी हुई सब्जियाँ बच्चों की सेहत के लिए ज्यादा अच्छी होती हैं। और अब मैं तुम्हें एक कहानी सुनाऊंगी जो अच्छा और सही खाना खाने के बारे में है। ये कहानी है एक सिपाही की जिसे छुट्टी मिली थी और वो अपनी फैमिली से मिलने जा रहा था। Axe porridge. उस लंबे सफर ने उसे थका दिया था और सच कहूँ तो उसे थकान से ज्यादा भूख लगी थी। सिपाही ने आसपास देखा और उसे जंगल में एक घर दिखाई दिया जो मुर्गी के पैरों पर खड़ा था। कभी कभी तो सिर्फ एक ही पैर पर खड़ा हो रहा था। घर के अंदर थी एक बूढ़ी औरत जिसने सिपाही को देखा और किसी वजह से उसे सूंघा भी। हाँ, बूढ़ी औरत ने कहा, एक सिपाही, मुझे लगा ही था मैंने एक जवान को सूंघा है। अंदर आ जाओ बेटा, खाना तैयार है। सिपाही बहुत खुश हो गया। ये हुई ना कुछ बात, यही है बिल्कुल सही तरीका। पहले आप मुझे खाना दो और फिर एक ड्रिंक। अगर आपसे ऐसा नहीं होगा तो आप एक सिपाही को लड़ने नहीं भेज सकते। घर ने अपना पिछला दरवाजा जंगल की ओर किया और आगे का दरवाजा सिपाही की ओर। सिपाही ने अंदर पांव रखा और उसके पैर वहीं पर जम गए। अरे बाप रे बाप, ये मैं कहाँ आ गया? आखिर ये किस तरह की जगह है? ये कोई मामूली घर नहीं है और ना ही ये कोई मामूली बूढ़ी औरत है। ये तो बूढ़ी विच है जिसका एक पांव लकड़ी का है। ये अच्छी बात नहीं है। और बूढ़ी विच ने उससे कहा, तुम शर्माओ मत प्यारे सिपाही, इस फावड़े पर बैठो, मेरे अवन के अंदर जाओ और जरा अपना सिर संभाल कर, और प्लीज मना मत करना, मैं तुम्हें जल्दी से भून दूंगी, क्योंकि मेरे घर में खाने के लिए और कुछ भी नहीं है। क्या आप मुझसे झूठ बोल रही हैं? सिपाही ने अपनी आंखें छोटी करते हुए कहा। तुम्हारा मतलब क्या है? बूढ़ी विच ने सिपाही से पूछा। आपने कहा कि आपके पास घर में खाने को कुछ नहीं है, पर झूठ बोलना अच्छी बात नहीं होती। यहाँ मुझे बेंच के नीचे एक कुल्हाड़ी दिख रही है, क्या आप इस कुल्हाड़ी के बारे में भूल गयी? सिपाही ने कहा। क्या तुम मजाक कर रहे हो सिपाही? बूढ़ी विच ने गुस्से से कहा। कुल्हाड़ी खाने की चीज नहीं होती। बहुत हुई तुम्हारी बेकार की बातें, अब चलो जाओ अवन के अंदर। पर सिपाही ने बूढ़ी विच की बात नहीं मानी। आपको तो कुछ भी पता नहीं है, आप जल्दी से एक बड़ा सा बर्तन ले आइए और बताइए मुझे ताजा पानी कहाँ पर मिलेगा। मैं आपको दलिया बनाकर दिखाऊंगा इस कुल्हाड़ी से। दलिया खाना बहुत ही अच्छा होता है, वो जंक फूड की तरह गंदा नहीं होता। ताज़ा खाना खाने का मजा ही कुछ और होता है। बूढ़ी विच ने एक पल के लिए सोचा, ठीक है सिपाही, जैसा तुम कहते हो वैसा ही करते हैं और देखते हैं तुम क्या खास कर लेते हो।
और फिर सिपाही ने कुल्हाड़ी को उबालना शुरू किया। वो उसे कुछ देर तक उबालता रहा और चम्मच से पानी को हिलाता रहा। बूढ़ी विच को सिपाही का बनाया हुआ कुल्हाड़ी का दलिया चखना था। तो क्या हो रहा है, क्या कुल्हाड़ी अच्छी तरह पक गई है? सिपाही ने उसे चखा और कहा, इसमें किसी चीज की तो कमी है, शायद हमें इसमें नमक डालना चाहिए। बूढ़ी विच नमक ले आई। सिपाही ने एक चुटकी नमक पानी में डाला, फिर उसे चखकर कहा, ये कितना टेस्टी है, मुझे भी चाहिए, मुझे भी दो। बूढ़ी विच ने अपने पैरों पर उछलते हुए कहा, आपको चाहिए? अफसोस, ये दो लोगों के लिए काफी नहीं है, कुल्हाड़ी बहुत ही छोटी थी, ये मुझे ही कम पड़ेगा। हो सकता है आपके पास यहाँ पर कहीं एक और कुल्हाड़ी पड़ी हो? नहीं, वो तो नहीं है, बूढ़ी विच ने चिढ़कर कहा। मेरे पास ये चेनसॉ है, शायद इससे कोई बात बन जाए। सिपाही ने चेनसॉ लेते हुए कहा, नहीं, इससे बात नहीं बनेगी, ये तो बर्तन से भी बड़ी है। क्या आपके पास किसी तरह का अनाज है? हाँ हाँ, मेरे पास अनाज है, बूढ़ी विच ने खुश होकर कहा। तुम यही रुको सिपाही, मैं अभी लाती हूँ। फिर उन्होंने बर्तन में अनाज डाल दिया। सिपाही ने उसे मिलाया, फिर चखा। ये तैयार है, उसने कहा। अपना चम्मच लाओ और चखो जो मैंने पकाया है, बटर लाना मत भूलना, बटर से खाने में जान आ जाती है। फिर दोनों टेबल पर बैठे और दलिया खाने लगे। बूढ़ी विच उसे खाते हुए उसकी तारीफ किए जा रही थी। ओ प्यारे सिपाही, तुम बहुत अच्छे हो, मैं तुम्हारी एहसान मंद हूँ, तुमने इस बूढ़ी औरत की बहुत मदद की, मैंने इतना अच्छा दलिया पहली बार खाया, प्लीज मेरे लिए इसकी रेसिपी लिख देना, मैं आज के बाद कभी किसी और को नहीं खाऊंगी, अब से मैं सिर्फ और सिर्फ हेल्दी खाना ही खाऊंगी। मैं तुम्हें यही कहना चाहती हूँ, अच्छा खाना शरीर और आत्मा को सेहतमंद रखता है और वो बुरे लोगों को भी अच्छा बना देता है।